गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सबको दीपावली का ढेर सारी शुभकामनाएं। आज यूके में भी है ना एक स्पेशल डे। अभी टाइम देख रहे हैं ना 10:25 हो रहा है, लेकिन एक्चुअल टाइम क्या है? एक्चुअल टाइम है देखो 9:24। ये उल्टा आ रहा है, 9:24 है एक्चुअल टाइम, क्योंकि इधर दो बार है ना टाइम चेंज हो जाते हैं। एक मार्च में लास्ट संडे और अक्टूबर में लास्ट संडे। संतोष इधर हंस रहे हैं क्योंकि मैं ये अभी बोल रहे हैं ना, बहुत बार बोल चुका हूँ। हाँ, बोल चुकी हूँ अभी। ले संतोष अभी आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे। वाह वाह, देखो संतोष आप लोगों को बताएंगे। तो ये इसलिए होता है क्योंकि मार्च में जो है, मार्च से जून के बीच में डेज जो है, दिन जो है लंबे होना शुरू हो जाते हैं। और जून आते आते सबसे पूरे साल भर का सबसे लंबा दिन जो जून में रहता है। तो ऐसा टाइम होता है कि सवेरे 4 बजे भी धूप हो जाती है और रात को 10-11 बजे तक धूप रहती है समर में। तो जितना समर का जो सनलाइट है उसका यूज़ किया जाए, इसके लिए टाइम को समय शिफ्ट कर देते हैं तो जितना ज़्यादा टाइम मिल पाए। और रात में और सॉरी अक्टूबर में क्या होता है कि दिन छोटे हो जाते हैं, तो अक्टूबर के बाद से दिसंबर तक में तो बहुत छोटे दिन हो जाएंगे। तो उसके लिए क्या होता है कि अभी सवेरे उठता है तो 8 बजे सनलाइट आता है। तो अभी क्या हो गया कि अब वो 8 बजे जो है वो हमारे टाइम के सब टाइम शिफ्ट के बाद में अब 7 बजे हो जाएगा। तो अब लगेगा कि चलो 7 बजे सूरज दिख रहा है हमको, तो वो थोड़ा सा डिफरेंस लाते हैं, तो उससे काफ़ी अच्छा लगता है। और ये काफ़ी टाइम से चल रहा है ये डे लाइट सेविंग्स के लिए, जो ये एडजस्ट करते हैं टाइम को, क्लॉक को 2 बार एडजस्ट करते हैं क्लॉक को साल में, एक मार्च में और एक अक्टूबर में। इतना बोलने के लिए अभी कितना संतोष ने बोले, इतना मैं मुझसे नहीं होगा एक्सप्लेन करना। नहीं बहुत, हाँ, दो बार और ट्राई करना चाहिए। दो बार मैं कितना 10-15 बार मैंने ट्राई किया, इसलिए मेरा मजाक भी उठाया। मजाक क्यों कर रहा हूं? आप लोगों से बहुत सारा मेरे मलयाली फ्रेंड्स बोल रहे हैं, बोलते हैं इतना मेहनत करके क्यों हिंदी में वीडियो बना रहे हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। होता है ना, जो चीज नहीं आता है उसमें तुमको इतना सपोर्ट भी मिल रहा है, इतना प्यार मिल रहा है, और आप लोगों का प्यार से और सपोर्ट से जो इतनी खुशी मिलती है, सबको, हम सबको मिलती है, सच में दैट इज सो ग्रेट। एंड आई विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली वंस अगेन। आज मैं ना आप लोगों को दीपावली का शुभ अवसर में है ना एक अच्छा सा रेसिपी सिखा दूंगी। कोई मीठा नहीं है क्योंकि दीपावली में आप लोग इतना मीठा बनाते हैं ना, आज मैं आप लोगों को बनाना सिखा दूंगी एकदम सिंपल सा सांभर रेसिपी। साउथ इंडियन है ना, सांबार नहीं सिखाए तो फिर क्या है। सांबार बनाने के पहले खुशी को ये ऑयल देती हूँ। खुशी ना, मी माय हेयर ना हम तेज छोड़ करें। केरल में है ना दीपावली के दिन ऐसा घर में कोई पूजा कुछ नहीं होता है, सिर्फ इतना है सुबह उठकर एकदम सर से पैर तक कोकोनट ऑयल लगाना है, फिर सबको है ना एक एक इंजा देते हैं, एक आयुर्वेदिक बाथ स्क्रबर है ना वैसा है वो देते हैं, उससे नहाना है। फिर उसके बाद सब घर में इडली सांबार और केरला बनाना है ना, वो बॉईल करते हैं, बॉईल कर वो खाना है। इडली क्यों खा रहे हैं? क्योंकि दीपावली के दिन उड़द दाल से बना हुआ कुछ तो खाना है, इसलिए इडली बनाते हैं। इडली नहीं है तो उड़द वड़ा है ना वो बनाते हैं। इतना ये, फिर शाम को है ना पटाखे फोड़, हाँ फिर शाम को है ना, फिर शाम को पटाखे है ना, पटाखे फोड़ते हैं। उतना ये केरल का दीपावली। और आप लोग बताना आप लोगों का उधर कैसे दीपावली सेलिब्रेट करते हैं? इससे ज़्यादा ही होगा घर पे पूजा होता है, लक्ष्मी पूजा होता होगा, कि केरल में ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग मंदिर जाते हैं। आइए ठीक है, अभी सांभर बना लेते हैं। सांभर के लिए मैंने इधर कुकर में ना तुअर दाल डाल दिया। देखो मैंने ऐसे 3 मुट्ठी तुअर दाल लिया और वाश किया है, वाश करके इसमें डाला है। अभी 2 मीडियम साइज का ओनियन डाल दिया, देखो ऐसे शेप में कट किया, और फिर बीन्स, कैरेट 1 लिया मैंने, और उसके बाद ये कच्चा केला है वो 1 लिया है। अगर ये नहीं है तो पोटैटो भी डाल सकते हैं, ये पोटैटो और ये दोनों डाल देते भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा पम्पकिन और 2 टोमेटोस और लास्ट में स्लिट किया हुआ 2 ग्रीन चिल्लीज। इसमें अभी पानी डालते हैं। अब इसको कवर कर 4-5 विसल होते हैं ना तब तक कुक करना है, वो विसल लेना अलग अलग कुकर में अलग अलग होगा। ये सांभर इधर बन रहे, मैं सोचा उस समय तक है ना थोड़ा सूजी का हलवा बना दूं,
संतोष ने मुझे मना किया था कुछ भी स्वीट डिश नहीं बनाना है, क्योंकि बहुत सारा अभी फ्रिज में पड़ा है ना, रसमलाई, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, वो सब खरीदा है ना, वो पूजा के उधर रखेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है मेरे हाथ से कुछ बना दूं फिर भगवान के उधर रखूं, ऐसा मुझे इच्छा है शाम के पूजा के टाइम। और ठीक है, अभी वो बनाना शुरू कर लेते। आप लोगों से बहुत सारे लोगों को ये रेसिपी मालूम होगा, लेकिन फिर भी मैंने सोचा अगर किसी को नहीं मालूम है तो। मैंने इधर एक कटोरी घी लिया है, एक कटोरी घी के लिए मैंने इधर एक कटोरी सूजी भी लिया है। अब ये सूजी का कलर है ना हल्का सा चेंज होकर ये घी है ना एकदम सेपरेट हो जाएगा, तब तक इसको ऐसे मिक्स करते रहना है। अब ये सूजी का कलर भी चेंज हो गया और घी है ना एकदम साइड पे आ गया। इसमें मैं अभी एक कप शुगर डाल रही हूँ। अब इसमें दो कप दूध और दो कप गरम पानी डाल रही हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा केसर भी इसमें डाल रही हूँ। अब ये दूध थोड़ा कम हो गया, इसको है ना कवर करकर सिम में एक दो मिनट कुक करेंगे। अब एक दो मिनट हो गया, घी भी अलग हो गया। इस समय ना इसमें ड्राई फ्रूट्स, आप लोगों को क्या पसंद है वो ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। मैं इधर काजू और किशमिश डाला है, थोड़ा सा कार्डमम पाउडर भी डाल रही हूँ। मैंने शुगर के साथ ये पाउडर किया इसलिए ये व्हाइट कलर में। अब ये हो गया, देखो पैन में ये स्टिक नहीं हो रहा है, इसका मतलब है ये हो गया। हलवा इधर रेडी हो गया। मैंने ये भगवान के उधर रखकर आती हूँ। और अब बनाते हैं सांबार। वेजिटेबल सब अच्छे से कुक हो गया। ये है ना मेरा कुकर छोटा, इसलिए मैं एक दूसरा बर्तन में डालती हूँ। इसमें अभी ऐड करना है थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर और हाफ टी स्पून रेड चिल्ली पाउडर। इसे थोड़ा और भी डाल सकते हैं लेकिन ठीक है, मैं इतना ही डाल रही हूँ। और दो टी स्पून कोरिएंडर पाउडर। ये सांभर में ना दो या तीन टीस्पून भी कोरिएंडर पाउडर डाल सकते हैं। मैं अभी इसमें सांभर पाउडर डाल रहा हूँ इसलिए कोरिएंडर पाउडर और रेड चिली पाउडर कम डाल दिया। अगर आप लोगों के पास ये नहीं है तो आप लोग एक टीस्पून रेड चिली पाउडर और तीन टीस्पून कोरिएंडर पाउडर डाल सकते हैं। अभी ये सांभर पाउडर भी है ना मैं दो टीस्पून डाल रही हूँ। मैं इधर ईस्टर्न का सांभर पाउडर यूज़ कर रही हूँ। और अब है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सांभर के लिए हींग। हिंग थोड़ा अच्छे से डालना है, पानी डाल रही हूँ। और इमली, इमली देखो इतना सा लिया था और पानी में डालकर रखा था, वो इमली का पानी डाल रही हूँ। सॉल्ट। और अभी इसमें डालना है थोड़ा सा है ना जागरी। थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा डाल दिया। इस टाइम में है ना आप लोगों के पास अगर ड्रमस्टिक है तो है ना वो भी डाल दो। ड्रमस्टिक का फ्लेवर सांभर में है ना बहुत अच्छा आता है। अब इसको है ना एक अच्छे से बॉईल आने तक कुक करना है। जब तक सांभर हो रहा है ना तब तक मैं इधर थोड़ी देर बैठ लेती हूँ। संतोष और चुंगसी गया एथलेटिक्स ट्रेनिंग के उधर। संतोष को भी जाना था क्योंकि आज चुंगसी का जिम का सेशन है। और खुशी देखो इधर अपना डॉगी को मॉर्निंग वॉक करा रहे। और वो दोनों को है ना इडली के साथ सांभर नहीं मिला क्योंकि वीडियो अगर बनाना तो ना बहुत टाइम लेता है, कैमरा इधर सेट कर लो उधर सेट कर लो। इसलिए वो लोग इडली के साथ ना उड़ीनोबड़ी बोलते हैं हम लोग केरल में, उड़द दाल से बनाते एक चटनी। मैं ना बाद में कभी भी वो रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। वो एक तरह का पाउडर है, उसके अंदर ऑयल डालकर इडली के साथ खाना है, वो भी बहुत टेस्टी है। और ये एलर्जी देखो ये बढ़ रहा है, पता नहीं आप लोगों को कैमरे में दिख रहा है रेड कलर का, ये बढ़ रहा है। हर विंटर में है ना ये मुझे होता है, पहले आइस का इधर का स्किन निकल गया और इधर का अभी निकल रहा है। बोरो प्लस लगा रहे, ठीक हो जाएगा दो तीन दिन के बाद। सांभर देखते अभी, इसको अभी एक और मिनट है ना अच्छे से कुक होने देते हैं, एक मिनट। अब एक मिनट हो गया,
जब वो पहला बॉईल होता है ना उस समय आप लोग चेक करना कुछ भी मसाला चाहिए अगर चाहिए तो उस समय डालना, लेकिन इसमें सब कुछ करेक्ट है क्योंकि सबका टेस्ट अलग अलग रहता है ना। और अभी इसमें तड़का डालने जा रहे हूँ, ऑयल गर्म हो गया, उसमें डालना है मस्टर्ड सीड्स। मस्टर्ड सीड्स है ना पूरा पॉप अप होने के बाद ये मेथी सीड्स डालना है क्योंकि अगर पहले से डाल दिया तो है ना मेथी सीड्स जल जाएंगे। और डालना है ड्राई रेड चिली, मैंने तो 3 लिया है, और करी पत्ता, और ये सांभर के ऊपर वो तड़का डाल दिया और उसको कवर कर थोड़ी देर के लिए रखना है। और सांभर बन गया एकदम इसी वाला सांभर रेसिपी, सिर्फ वेजिटेबल्स और दाल बॉईल कर लो, उसमें मसाला डाल दो, तड़का डाल दो, बहुत इजी है। और ये मेरा ससुर जी का रेसिपी है, ससुर जी इसमें है ना थोड़ा और वेजिटेबल्स डालते हैं, थोड़ा और वेजिटेबल्स डाल दिया तो है ना उसका टेस्ट और थोड़ा अच्छा हो जाता है। फिर क्या है इसमें मैंने मेथी सीड्स है ना तड़के में डाल दिया था, अगर आप लोगों के पास वो नहीं है तो मसाला डालते हैं ना उस समय मेथी पाउडर डाल दो, लेकिन वो डालना ही है क्योंकि मेथी पाउडर या मेथी सीड्स है और हींग से ही सांभर का फ्लेवर आता है। ये मेरे ससुर जी का रेसिपी है, बहुत ईजी है। मेरे घर में ना अलग तरीके से बनाते हैं, दाल अलग से बॉईल करते हैं, वेजिटेबल्स अलग से बॉईल करते हैं, वो मुझे ना हमेशा कन्फ्यूजन हो जाता है वो तरीका, लेकिन ये बहुत ईजी है, आप लोग भी एक बार ट्राई करना। और अभी ठीक है शाम को मिलते हैं अभी। अब इवनिंग हो गया, सब लोग दीप जलाने में बिजी है, चुंगसी और खुशी दीप जला रहे हैं और संतोष उधर पूजा का तैयारी भी कर रहे हैं। भगवान का प्रसाद के लिए इधर रसमलाई भी रखा है और सुबह मैंने बनाया ना सूजी का हलवा वो भी रखा है। और बच्चे लोग हाँ ठीक है, हम लोग है ना पूजा करके फिर आप लोगों से मिलते हैं। राजा की पार्वती पिता महादेवा एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। पूजा भी हो गया और दिया भी जला दिया, दिया नहीं कैंडल लगा दिया क्योंकि इधर कारपेट है ना थोड़ा डर लगता है, इसी से ही हम लोग को डर लग रहा है क्योंकि खुशी है ना बीच बीच में लॉन्ग ड्रेस पहना है ना थोड़ा इसके पास में गया तो ना थोड़ा डर लगता है, तो थोड़ा डर लग रहा है इसलिए संदोल बोला 15 मिनट के बाद ये सब अंदोलन बुझाना है। हाँ बुझाना है। ओह खुशी बोल रही इट्स नॉट फेयर, ठीक है थोड़ी देर आते अभी लाइट ऑफ है, मैं लाइट ऑन करके दिखाती हूँ सब लोगों ने क्या क्या पहना है। संतोष इधर पहना है कुर्ता, हाँ व्हाइट कुर्ता और जीन्स। हैप्पी दिवाली टू एवरीवन वंस अगेन। और चुंगसी पहना है, चुंगसी भी कुर्ता पहना है और ये संतोष का है। हैप्पी दिवाली। और इधर है हमारी खुशी एकदम टिपिकल केरल का ड्रेस पहनकर, नहीं नौकला हेयर स्टाइल सब खुशी ने बनाया। Happy Diwali. Happy Diwali. Keep smiling.
हैप्पी दिवाली नल्ला दे रहा है। और अभी हम सब लोग जा रहे हैं हमारा नेबर्स के घर, सबको मिठाई देने के लिए हम लोग अभी जा रहे हैं। और जाकर आकर है ना, मैं आप लोगों को अमेज़न से मैंने थोड़ा दीपावली शॉपिंग किया ना वो सब दिखाती हूँ, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा ये लेकिन दिखाती हूँ, उसके बाद मैं वीडियो एंड करूँगी। हम लोग घर आ गए वापस। हाँ हम लोग घर आ गए वापस। हम लोग अभी सब नेबर्स के घर जाकर आ गए हैं। सब लोग है ना बहुत खुश हो गया, स्पेशली हमारा जस्ट पास में एक नेबर रहता है, वो है ना एकदम बहुत बहुत खुश हो जाते हैं, वो देखकर हम लोग भी बहुत खुश हो जाते हैं। और मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ अमेज़न से मैंने क्या क्या शॉपिंग किया, ज़्यादा कुछ नहीं थोड़ा सा ही है। पहले देखो ये दिया दिखाती हूँ, बहुत सुंदर है ये, एक पैकेट में ना 10 पीस था और मुझे ये बहुत अच्छा लगा है। और ऑयल डालकर दीप भी जलाया था, बिल्कुल लीक नहीं हो रहे थे, बहुत क्यूट है ये। और लिया क्या है, और लिया है इलेक्ट्रिक कैंडल, ये ऐसा आप लोग पहले भी देखा होगा, ये लिया है। और नेक्स्ट है मेरा फेवरेट इयररिंग्स, ये मुझे बहुत पसंद आ गया, अच्छा है ना, मुझे बहुत पसंद आ गया ये। और एक और इयररिंग्स लिया है, वो भी बहुत सुंदर है, इसका है ना ये कलर कॉम्बिनेशन मुझे पसंद आ गया, इसका एक और कलर था पिंक कलर लेकिन मुझे ये ग्रीन ज़्यादा पसंद आ गया था। एक बार पहन कर दिखाती हूँ, मैं अभी पहना है ना वो इयररिंग्स भी आप लोगों को दिखाती हूँ। ये केरला से लिया है, केरला में है ना गुडविल करके एक शॉप है, उधर से लिया मैंने ये। और अभी ये पहन कर दिखाती हूँ, और पहनने के बाद देखो मेरे फेस के लिए थोड़ा छोटा है लेकिन मुझे ये बहुत पसंद आ गया। ठीक है, मेरा ब्लॉग मैं इधर एंड करने जा रही हूँ। वंस अगेन हैप्पी दीपावली, आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक करना भूलना नहीं, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करना, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी क्लिक करना भूलना नहीं। मिलते एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अब भाई आ रही है।